बनाने जा रही हैं अमचूर पाउडर। तो मेरा जो मोटिव है चैनल का, उसका यही है कि हम घर पर शुद्ध बाजार के मुकाबले में बिल्कुल साफ सुथरी शुद्ध चीज़ें बना सकें। इसीलिए मैं छोटी सी चीज़ से लेकर बड़ी चीज़ें सभी अपने चैनल पर कवर करने की कोशिश करती हूँ। नमस्कार। तो आज हम बनाएंगे घर पर अमचूर पाउडर। उसके लिए सिर्फ हमें एक चीज़ की ही ज़रूरत है और कुछ भी नहीं चाहिए। ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ता, सामान इकट्ठा करना नहीं पड़ता। तो चलो देखें कैसे बनाया जाता है घर पर शुद्ध अमचूर। तो ये मैंने 1 किलो कच्चे आम लिए हैं। अब आम का सीजन है, तो आप भी इन चीज़ों का भरपूर चीज़ें स्टोर करके मृतवन के बर्तवन कंटेनर भरकर रसोई में स्टोर करके रखें। ये मैंने 1 किलो आम लिए हैं, अच्छी तरह इन्हें धो लिया है। और धोने के पश्चात अब हम क्या करेंगे, इन्हें छील लेंगे। बहुत ही आसान है अमचूर पाउडर बनाना। तो मैं अपने व्यूअर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बढ़िया से बढ़िया चीज़ें सिखाना चाहती हूँ, ताकि घर की शुद्ध चीज़ें आज के महंगाई के ज़माने में आप साफ़ सुथरी और बढ़िया प्रयोग में ला सकें। जब हम कहते हैं कि बाज़ार की चीज़ें शुद्ध नहीं होती, तो क्यों ना हम थोड़ी सी मेहनत करके घर में शुद्धता का ख्याल रखते हुए अपनी सेहत को मेनटेन कर लें। इसी प्रकार से मैं सारे आमों को, जो भी कच्चे आम हैं, उनको छील लेंगे। ये बहुत आसानी से बन जाता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मेरा फ़ोन नंबर रहता है। अगर फिर भी कोई चीज़ बनाने की रेसिपी में आपको दिक्कत आती है, तो आप कंटेक्ट करके मेरे से उस आ रही मुश्किल के बारे में पूछताछ करके अपना कीमती समय और कीमती इंग्रेडिएंट्स को बचा सकते हैं, ताकि ख़राब ना हो। ये देखिए, मैंने कच्चे आम को छील लिया है। या अगर आप ज़्यादा ऐसा चाहते हैं कि सफ़ेद सफ़ेद हो, तो आप इस प्रकार से भी ज़्यादा उतार सकते हैं छिलका, अच्छी तरह से मोटा छिलका उतार लें। यह एक आम को मैंने छील लिया है, अब हम इसके पीसीस करेंगे। आप छोटे पीस भी कर सकते हैं, वो जल्दी सूख जाएंगे। मैं आपको बता रही हूँ, इस प्रकार से हमने जो बीज है, गिटक है, गुठली है, उसको अलग कर देना है सीड को, और ऊपर का पोर्शन उतार लेना है। आप इसे बहुत आसानी से, बहुत बढ़िया ढंग से घर में तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान है अमचूर पाउडर घर में तैयार करना। देखिए, ये मैंने सारे आम के पल्प को गुठली से अलग कर दिया है। हम छोटे पीसीज करेंगे, क्योंकि हमने इसमें बाद में हमें पीसना ही होता है सुखाने के बाद। तो इस प्रकार से मैं सारे आंबों का छिलका उतार लूँगी, फिर आगे आपको बताती हूँ कि किस प्रकार हमने क्या करना है इन पीसीज का। देखिए, हमने सभी आमों को छील कर इसके गुठली निकाल दी है, गिटक निकाल दी है। तो ये इस प्रकार से दिखाई देने लगी हैं। एक बात का आपने विशेष ध्यान रखना है, जो आम आपने अमचूर के लिए सिलेक्ट करने हैं, वह आम जो सख्त, बिल्कुल टाइट, बिल्कुल कच्चे होने चाहिए। जैसे मेरा भी थोड़ा बहुत एक आम था बीच में ऐसा, तो उससे अमचूर बढ़िया नहीं बनता, उसका जूस निकल जाता है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, एक कपड़ा बिछा कर उसके ऊपर आप कोई पतला सा दुपट्टा या मलमल का कपड़ा से ढककर इसे धूप में 5-7 दिन रखें। अगर धूप की मात्रा ज़्यादा है, जैसे कि जून का महीना चल रहा है और हमारे नॉर्थ में बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो ये 5-4 दिन में ही तैयार हो जाएगा। अगर कहीं बारिश वूश का एक दिन बारिश पड़ जाती, तो हफ्ते में ये बिल्कुल सूख जाएगा। फिर हम नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे अमचूर बनाने का, कि क्या करना। अब मैं इसे धूप में रखूँगी, मेरा तो थोड़ा है, मैं तो थाल में भी सुखा लूँगी। अगर हम ज़्यादा मात्रा में बनाते हैं, तो हम कपड़ा, कॉटन का कपड़ा बिछा देते हैं, उस पर इसे फैला देते हैं और ऊपर एक पतला सा कपड़ा से ढक देते हैं। सुबह धूप में रखते हैं, शाम को उठाकर अंदर कर देते हैं। ऐसे हफ्ता भर हम इसे धूप में दिखाते हैं। फिर नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे, पीसीज कच्चे आम के छीलने के बाद पीसीज करके धूप में सुखाए थे, वे इस प्रकार के हो गए हैं। तो अब मिक्सी के ग्राइंडर जार में डालकर इसका पाउडर बनाएंगे, ताकि हम इसका बढ़िया आमचूर पाउडर बिना मिलावट वाला शुद्ध घर में तैयार कर सकें। ये बहुत ही आसान होता है बनाना, और बाजार के आमचूर से सस्ता भी पड़ता है। और सबसे बड़ी क्वालिटी तो जो भी हम चीज़ें बनाते हैं घर में, ये रहती है कि वो प्योर होती हैं। हमने अपने हाथों से बनाई है, उस पर हमें विश्वास होता है कि ये बिल्कुल एकदम से शुद्ध है। जैसे लिखा रहता है ना, डब्बी
का पैकिंग के तहत 100% प्योर, तो उसी प्रकार की इसकी प्योरिटी की पूरी गारंटी होती है कि ये जब जो भी चीज़ सामान हमने घर में तैयार किया है अपने हाथों से जान जब थोड़ा मोटा है हमें बिल्कुल पाउडर करेंगे बारीक इस प्रकार का जैसे जैसे बाजार में मिलता है। ये इतना बढ़िया बनता है आप सब्जियों में सूखी सब्जियों में इसका प्रयोग करें चनों में जो भी हम चीज़ों में हम आमचूर पाउडर का प्रयोग करते हैं तो बनाइए जरूर बहुत आसान रहता है। अभी मैं इसकी और पिसाई करूँगी। अगर आपको लगे कि थोड़ा ज़्यादा मात्रा में बनाया है तो बारीक पाउडर नहीं निकल रहा है तो आप इसे छलनी से छान छान कर बारीक निकाल लीजिए, जो मोटा निकलेगा उसे इसे ग्राइंडर जार में डालकर बारीक कर लीजिए। ये कोई इतनी बड़ी बनाने वाली मुश्किल काम की चीज़ नहीं है, बहुत आसान रहता है बनाना। देखिए इस प्रकार का हमारा बिल्कुल बाजार जैसा अमचूर पाउडर बन रहा है। हम इसे छान छान कर निकाल लेंगे। हमारा जो हमारा अमचूर पाउडर है वह थोड़ा मात्रा में कम होने के कारण पीसने भी दिक्कत आ रही है। हमने थोड़े कम आम के स्लाइसेस को सुखाया था। आप ज़्यादा मात्रा में बनाए तो ये सूख कर बहुत कम रह जाता है। हमने इसे पीस लिया है और इस प्रकार से हमने छान छान कर इसका जो बारीक पाउडर है निकाल लेना है और मोटे को फिर से मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, जब भी आप घर में आमचूर पाउडर बनाना है तो आपको मैंने बहुत कम मात्रा में लिया था इसलिए मेरे को दिक्कत आ रही है पीसने में। आप 2-2.5 किलो तो जरूर ही साइज लें फिर इतना बड़ा कंटेनर आपका भर जाएगा। कम मात्रा में मत लीजिए। जब मैंने ये रखा था तब आम कम मात्रा में मिल रहे थे इसलिए मैंने थोड़ा ही बनाया, थोड़े ही सूखने के लिए रखे। अब तो खूब आ रही है, 10 दिन पहले ये कम आ रही थी तो मैंने कहा चलो मैं सिखा देती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मिले ना मिले। आप हमेशा ज़्यादा मात्रा में ही लेकर बनाएं, उससे आपको पीसने में भी सुविधा रहेगी और आपका पाउडर भी बन जाएगा ज़्यादा मात्रा में। जो हमने आमचूर पाउडर को पीसा था वो इस प्रकार का दिखाई देने लगा है। अगर आपके ज़्यादा मात्रा में आम के स्लाइस हो होंगे तो ज़्यादा मात्रा में होगा तो वो बहुत ही बढ़िया बारीक महीन पीस जाएगा। मेरी थोड़ी मात्रा में था तो इसलिए ये थोड़ा ऐसा दिखाई दे रहा है। जितना ये बारीक पाउडर बनेगा उतना इसमें ब्राइटनेस ज़्यादा आती जाएगी। हमने अमचूर पाउडर तैयार कर लिया है। आप इस प्रकार से काफ़ी मात्रा में इसे तैयार कर लें और इसे किसी कांच के कंटेनर में स्टोर करके रखें। प्लास्टिक में मत कीजिए क्योंकि ये खिठास लिए होता है। किसी भी खट्टी और नमकीन चीज़ को प्लास्टिक के कंटेनरों में स्टोर नहीं करना चाहिए, वो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंजीरियस होती है। प्लास्टिक उसमें अब्जॉर्ब हो जाता है तो अब इस प्रकार के कंटेनर में स्टोर करके रखें और साल भर के लिए अपना अमचूर पाउडर तैयार करके रख लें। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है रेसिपी बनाने में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर रहता है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप आ रही मुश्किल के बारे में पूछताछ कर सकती हैं और अपनी दुविधा का समाधान कर सकती हैं। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।